नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आज तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और भाइयों बहनों, ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। लखनऊ के 5,000 नौजवानों को कार्य मिलेगा, नौकरी लखनऊ में मिलेगी। किसान पथ का निर्माण हो रहा है, एक्सप्रेसवे के लिए भी बुलडोजर और माफिया की छाती के लिए भी बुलडोजर। उत्तर प्रदेश का ये सफल प्रयोग है ना, और उत्तर प्रदेश के इस सफल प्रयोग के लिए नीरज बोरा जी का विधायक बनना आवश्यक है। हमें मजबूर सरकार नहीं, एक मजबूत सरकार चाहिए। सोच ईमानदार के लिए, काम दमदार वाली सरकार चाहिए। तैयार है? लेकिन भाइयों बहनों, शहर क्षेत्र की एक समस्या है, लोग वोट डालने कम जाते हैं। वोट डालने जाएंगे, वोट डालने का रिकॉर्ड बनाएंगे, पहले मतदान फिर जलपान के साथ आगे बढ़ेंगे। ये चुनाव की चतुर्थ चरण की अंतिम सभा है और मैं पूरे लखनऊ वासियों से अपील करूंगा, लखनऊ में 9 के 9 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, लखनऊ उत्तर से डॉक्टर नीरज बोरा, मलियाबाद से श्रीमती जया देवी, बक्सी के तालाब से श्री योगेश शुक्ला, सरोजनी नगर से श्री राजेश्वर सिंह, लखनऊ पश्चिम से संजनी श्रीवास्तव, लखनऊ पूरब से श्री आशुतोष टंडन, लखनऊ मध्य से श्री रजनीश गुप्ता, लखनऊ कैंट से श्री ब्रजेश पाठक और मोहनलालगंज से श्री अमरेश कुमार, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भाइयों बहनों, आपके जितने भी आपके पास जितने भी परिचित होंगे, मित्रगण होंगे, नातेदार रिश्तेदार होंगे, शुभचिंतक होंगे, स्मार्टफोन से इन सबको कहेंगे कि सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, समृद्धि के लिए और प्रदेश देश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है।